बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान फिल्म इंडस्ट्री में लंबा सफर तय कर चुकी हैं और अक्सर अपने शूट्स और फैशन स्टाइल के लिए करीना चर्चा में बनी रहती हैं। आपको बता दें, जब संजय लीला भंसाली के साथ करीना कपूर खान ने कोलैबोरेट किया था तब फैंस बहुत खुश हुए थे। अपनी फिल्म रामलीला में लीड एक्ट्रेस के लिए संजय लीला भंसाली ने करीना कपूर खान और दीपिका पादुकोण को लेने का सोचा था। हालांकि करीना कपूर खान संजय लीला भंसाली की पहली पसंद थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग से केवल 10 दिन पहले ही करीना ने ये मूवी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद खबरें ये भी आई थी कि संजय लीला भंसाली इसके बाद कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के पास भी गए थे, लेकिन बाद में फाइनल दीपिका पादुकोण को किया गया। कई लोगों को ऐसा भी लगा कि करीना कपूर खान और सैफ अली खान की शादी की बात हो रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। बाद में करीना ने क्लियर करते हुए कहा था कि मेरा मूड नहीं हो रहा था, इसलिए वो इस फिल्म में काम नहीं कर रही थी। साल 2013 में एक इंटरव्यू देते हुए करीना कपूर खान ने कहा था कि मैं पागल हूँ, कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने फिल्म साइन की और बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है। हाँ, मुझे रामलीला फिल्म करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा मन बदल गया था। करीना ने यह भी कहा था कि मेरे साथ हर चीज मेरे मूड पर निर्भर करती है, मुझे किसी चीज का पछतावा नहीं है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे निर्देशकों के साथ काम किया है। हाँ, संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर संग काम करने का मौका मैंने गंवा दिया और मैं एक इकलौती एक्ट्रेस हूँ जो अपनी फिल्म में दूसरी एक्ट्रेसेस को दे देती हूँ। करीना ने अपने करियर की शुरुआत से ही अपने शर्तों पर ही काम किया है।